Yo, what's up people, it's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. और काफी सारे लोग मुझे एक लिंक बार बार मेरे सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज कर रहे हैं जो कि लिंक है खान बाबा का. जी हाँ, खान बाबा जो पाकिस्तान का फेक रेसलर है उसकी एक और वीडियो आई है जिसमें उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है. उसने जो इंडिया के आर्मी चीफ है और इंडिया की जो आर्मी है उसको ओपन चैलेंज दे दिया है. तो ये काफी जैसे कॉमेडी शो होता है, मुझे उसकी वीडियो देखकर वैसा महसूस हुआ क्योंकि पहले तो ये रेसलिंग मैचेस के लिए कर रहा था लेकिन अब ये वॉर के लिए, जंग के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहा है. तो मुझे लगता है कि ये खान बाबा पागल हो चुका है. इसको लगता है कि ये इंडिया के आर्मी चीफ या इंडियन आर्मी से पंगा ले सकता है. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लें. मेरा ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए, तुम हर हमेशा पाकिस्तान को चैलेंज सिर्फ करते आ रहे हो. मैंने तुम्हारे ग्रेट काली को चैलेंज किया है, तुम लोग इतने बेगैरत हो गए, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया. अभी भी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे. ये एक हाथ तुम सब के लिए काफ़ी है. तुम ये पठान का हाथ है, पठान का. आर्मी चीफ अगर ये मुँह पे पड़ गए ना, सीधा ऊपर जाओगे. तैयार हो जाओ तैयार, हम तो कब से तैयार बैठे. तुमने अगर ज़रा सी भी हरकत की ना तो हिरोशिमा में क्या तबाही हुई होगी, इंडिया में इस तरह तबाही करेंगे ना कि पूरी दुनिया याद रखेगी. तुम तो आए थे ना पहले लाहौर आना चाहते थे चाय पीने के लिए, वो चाय अभी तक ठंडी हो रही है और तुम लोग नहीं आए. आ जाओ, हम इंतजार करेंगे तुम लोग. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो फेक फुकरा खान बाबा है वो इंडिया के आर्मी चीफ और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी है, उनको बोल रहा है कि मैं आपको बंदूकों से नहीं थप्पड़ों से मारूंगा. तो मैं इसे फेक बाबे को बता देना चाहता हूं कि अगर तू हमें ऐसे बातें बोलेगा तो हम लोग जो है तुझे थप्पड़ों से भी नहीं, तुझे इससे मारेंगे. इसके बारे में पता ना तुझे क्या है, तो इससे तुझे मारेंगे. तो अभी तुझे वार्निंग दे रहे हैं कि जो तूने ये जो वीडियो बनाई है इसका एक और सीक्वेंस बना, उसमें माफी मांग. और तू बार बार बोल रहा है कि मैंने ग्रेट खली को भी चैलेंज दिया है, तुम्हारा खली भी अभी तक नहीं आया. तो इसको मैं ये बात बता दूं कि इसे पता है ना तो इंडिया के आर्मी चीफ इसको रिप्लाई करेंगे ना ही ग्रेट खली इसको रिप्लाई करेगा, क्योंकि इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये उनसे फाइट कर सके या उनके बारे में कुछ बोल सके. ये सिर्फ इसलिए वीडियोस बना रहा है, ये फोकी शोहरत पाना चाहता है. मैंने इसको काफी बार चैलेंज किया, पहले ये बोल रहा था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, इंडिया के रेसलर्स को ओपन चैलेंज है. तो मैंने इसको चैलेंज किया जबकि इसकी औकात नहीं है कि ये मेरे साथ फाइट कर सके. इसने अपने आप को ये रेसलर बोलता है, इसने पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही मैच खेला है और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में, उसे आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है. तो मैंने कम से कम 100-150 रेसलिंग मैचेस, फाइट्स में लड़ चुका हूं और बड़े बड़े रेसलर जो WWE के हैं, TNA के हैं, उनके साथ ही फाइट्स कर चुका हूं. तो 100 से ज्यादा मैचेस करने वाला रेसलर, इस फेक रेसलर को जब मैंने चैलेंज किया तो ये मुझसे भागता है. तो इसको पता है कि अगर ये मुझसे बात करेगा तो इसको फाइट करनी पड़ेगी, ये रेसलर नहीं है, ये फेक है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा. तो इसलिए ये मेरे चैलेंज से बात है और खली को और ऐसे लोगों को चैलेंजेस करता है कि जो इसको रिप्लाई नहीं करेंगे. तो इसको शायद एक मेरे ख्याल से इसके मन में एक डाउट होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले कोई बंदा था, कोई इन्होंने बुलाया अपने पाकिस्तान में कोई, तो वो बोल रहा था कि मैं इंडिया से आया हूँ, रेसलर हूँ तो रेसलिंग करूंगा. तो उसने जब इसे देखा या कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे सुनने में आया कि वो बंदा रेसलिंग मैच शुरू होने से पहले ही वहां से डरकर भाग गया. तो इसको लगता है कि शायद जितने भी लोग हैं इंडिया के जो रेसलर हैं वो उस बंदे के जैसे हैं. तो मैं इसको बता दूं कि ये, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये अगर अपने आप को पठान बोलता है ना, अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम पाकिस्तान में अगर पठान बैठे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया में भी सरदार बैठे हैं. जब तक इंडिया में सरदार बैठे ना तो तुम जैसे पठानों का कुछ भी नहीं होगा. तो मैं वार्निंग दे रहा हूं कि अभी इसकी जो तुमने बोला है उसकी वीडियो बना और उस पर माफी मांग. और मैं इंडिया के जो लोग हैं जो अभी निकल कर आ रहे हैं कि रेसलर बन रहे हैं, उन लोगों की वजह से ही ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है इंडियन इंडिया की और इंडियन रेसलिंग की इंसल्ट करने का. लास्ट टाइम सीक्वेंस हुआ था कि कोई बंदा था वहां पर गया, वहां से भाग कर आ गया. तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में उन्होंने रेसलिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो वो सोचते हैं कि शायद हम अपने नाम के पीछे रेसलर लगा लेंगे तो हम रेसलर बन जाएंगे. तो ऐसे लोग जब दूसरे देशों में खेलने के लिए जाते हैं तो अगर आपने रेसलिंग की ट्रेनिंग नहीं ली,
आप क्या करोगे वहां पर जाके? तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, आप वहां से डरकर भाग जाओगे। और वहां के लोगों को मौका मिल जाता है कि हमारे जो रेसलिंग है, जो हमारी कंट्री है, उसकी इंसल्ट करने का। तो मेरी इंडिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी सुनने में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को रेसलिंग प्रमोटर बता रहे हैं, वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा ट्रेनिंग ले रहा होता है तो उसको मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि उसकी रेसलिंग ट्रेनिंग के बीच में ही उसको परेशान करते हैं, बार बार उसे बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, अपनी ट्रेनिंग खत्म कर दो, ट्रेनिंग करने कोई बेनिफिट नहीं है, हम आपको रेसलिंग इंडस्ट्री में एंटर करवाएंगे। और वो लोग उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सुनने में आया कि वो उनसे बाद में पैसे भी मांगते हैं। अगर आपने रेसलिंग की ट्रेनिंग नहीं की, बाय चांस अगर आप जैसे वो फेक रेसलर की तरह आप पाकिस्तान चले भी गए खेलने और वहां पर मैच शुरू हो गया, तो आप करोगे क्या रिंग में? अगर आपने रेसलिंग की ट्रेनिंग नहीं ली तो आपके लिए वहां से भागने का ही एक ऑप्शन होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अगर आप रेसलर बनना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो आप अपने आप के प्रमोटर आप निकल कर आ रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, वो चाहते हैं कि दूसरे भी कुछ ना करें। और ऐसे ही कई लोग हैं जो मुझे भी बोल रहे हैं कि मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें भी बता दूं कि मैं उनको कभी भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उन लोगों का लेवल ही नहीं है। जिस लेवल पर इस टाइम मैं हूं, वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरी वीडियोस काफी वायरल जा रही हैं, मेरा सोशल मीडिया काफी स्ट्रांग हो रहा है, आप लोगों की काफी सपोर्ट है। तो वो लोग इस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। मेरे अपने ही देश के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों से मिले हुए हैं, तो जब मैं कोई ऐसी वीडियो डालता हूं तो उसको गलत तरीके से शेयर करते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको मैं आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों की बातों में मत आएं, क्योंकि अभी मैंने किसी के बारे में किसी का नाम नहीं लिया, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूं? जब ये वीडियो मेरी अपलोड होगी, जो लोग नीचे गलत कमेंट्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड करने वाले लोग कौन है। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं, अगर आपने लाइफ में कुछ किया हो, अगर आपकी इंटरव्यू होती है तो आपके इंटरव्यू में बताने के लिए काफी सारा कुछ होता है कि आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जब इनको टीवी पर आने का मौका मिलता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं कि मेरा पता नहीं पेट निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे मौका नहीं मिला रेसलिंग करने का। ये तो ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, और वो अगर आपको भी आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करें तो आप उन लोगों से दूर रहें, ताकि ऐसे जो फेक रेसलर्स हैं पाकिस्तान के, खान बाबा जैसे, ऐसे लोगों को मौका ना मिल सके कि वो आपके देश के बारे में कुछ कह सके। तो मेरी ये भी आप सभी लोगों के साथ रिक्वेस्ट है। बाकी रही बात खान बाबा की, तो मैंने खान बाबा तुझे मैंने बता दिया, अगर तूने रेसलिंग करनी है तो सीधे तरीके से मेरे साथ रेसलिंग कर, क्योंकि तेरा लेवल भी नहीं है, मैं फिर भी तुझे चैलेंज कर रहा हूं, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट भी कर रहा हूं कि तू पिछली बार बोला था कि मैं इंडिया आ रहा हूं, लेकिन तू इंडिया आया नहीं, तू डरता है यहां आने से, तुझे पता है कि लोग तुझे यहां जूतों से मारेंगे। लेकिन खान बाबा मेरी फिर से ये तुझे वार्निंग है, अगर तू पठान है ना तो सीधे तरीके से मेरे साथ फाइट कर, ऐसे वीडियो के पीछे मत बोल। जैसे ये जो लोग हैं जो वीडियो के पीछे बोलते हैं, मेरे बारे में भी कुछ गलत बोलते हैं, तो उन लोगों को मैं वार्निंग देना चाहता हूं, अगर कुछ बोलना है ना, अगर आप में दम है तो मेरे मुंह पर आके बोलो, मेरे पीठ पीछे मत बोलो, या नीचे बच्चों की तरह वो कमेंट्स मत करो। अगर दम है तो मुंह पर आके बोलो। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी होगा जो भी ये जो फेक बंदे हैं, तो अभी मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके बारे में बात करना ही टाइम वेस्ट है। सो इन द लास्ट, जितने भी लोग पाकिस्तान के काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी बताया कि हम पठान हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और खान भी हैं, ये जो खान बाबा है, ये खानों का और पठानों का नाम बदनाम कर रहा है। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग मेरी वीडियो के नीचे गलत कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को डिसलाइक करते हैं और लोगों के साथ गलत गलत बातें करते हैं, उनके पास मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक्शन है। सो दिस इज फॉर यू, यस दिस इज फॉर यू। अगर आप मेरे बारे में गलत करोगे तो मैं भी आपके बारे में बिल्कुल ही गलत सोचूंगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो मेरे मुंह पे बोलो, बिकॉज आई एम द सुपर खालसा एंड आई एम द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड।